हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ आम पापड़ बनाने की रेसिपी, जिसे हम घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार करते हैं। बचपन में तो हम सभी ने बहुत सारे आम पापड़ खाए हैं, तो जिस किसी को भी आज भी आम पापड़ खाना पसंद है तो प्लीज इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसे बनाना। घर पर आम पापड़ तैयार करने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर दो मीडियम साइज के आम। अगर आप इसे वेट से मेजर करेंगे तो ये 650 ग्राम जितने आम हैं। तो मैंने इन आमों को पहले से ही अच्छे से धोकर रखा हुआ है। तो अब हम इन दोनों आमों को अच्छे से छील लेंगे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इस पे जितना भी छिकल है उसे अलग कर देंगे। दोनों आमों को अच्छे से छीलने के बाद अभी हम इसमें से जितना भी पल्प है उसे अलग करेंगे और इसे थोड़े मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसे ज़्यादा बारीक कट ना करें, क्योंकि हमें इसे लास्ट में मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीसना ही है। तो मैंने इन सभी आमों के पीसेस को मोटा मोटा कट कर लिया है। तो अब हम इन सभी आम के पीसेस को एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे और इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। जितना भी पल्प एक बार मिक्सी के जार में आ जाए आप उसे डाल लें। पल्प को मिक्सी के जार में डालने के बाद जार के ढक्कन को लगाकर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। इसे पीसने के बाद अब हम इसे एक पैन में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसे एकदम बारीक पीसा है। आप इसे चेक कर लें, इसमें आम के पीसेस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे शुगर। तो मैंने यहाँ पर 650 ग्राम जितने आम लिए थे, जिसमें समथिंग 500 ग्राम जितना पल्प निकला था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें 150 ग्राम जितनी शुगर ली है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है, तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद ही हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। तो इसे अच्छे से मिला लें इस तरीके से। चीनी और पल्प को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और एकदम मीडियम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए पकने देंगे। जैसे जैसे आम का पल्प हल्का हल्का गर्म होगा, वैसे वैसे इसमें जो शुगर है वो डिज़ोल्व होने लगेगी। और जब शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तब हम इसे लगातार चलाएंगे और इसे लगातार चलाते हुए कम से कम 15 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे पकाते समय आपको याद रखना है कि आप इसे चलाना बंद ना करें। अगर आप इसे चलाना बंद कर देंगे तो ये जो आम का पल्प है वो नीचे तले में लग जाएगा, जिससे ये उतना अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। तो इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जितना नींबू का रस, साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच जितना नमक, जो कि इसमें मीठे के टेस्ट को बहुत ही अच्छा बैलेंस करता है। तो दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे और सेम उसी तरीके से इसे लगातार चलाते हुए पकने देंगे। याद रखें, गैस की फ्लेम को ज़्यादा हाई ना रखें, मीडियम आँच पर ही इसे धीमे धीमे पकने दें। इसे लगातार चलाते रहेंगे इस तरीके से। लगातार 15 मिनट के बाद मैंने इसे चलाया है और आप देख सकते हैं 15 मिनट में मिक्सचर जो है वो कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। आम का जो कलर है वो काफ़ी डार्क हो चुका है, क्योंकि इसमें जितनी भी शुगर थी वो भी अच्छे से पक चुकी है। तो एक बार और इसे अच्छे से मिला दें। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से चलाया है, जिसकी वजह से पल्प जो है बिल्कुल भी तले में नहीं लगा है। तो बस अभी हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है, मैंने इसे 15 मिनट के लिए पका लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अभी हम इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद डाला है इसमें, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो मिला देंगे इसे अच्छे से। तो अभी हमारा ये आम पापड़ का मिक्सचर एकदम पक कर तैयार है। अभी हम क्या करेंगे, एक प्लेट में इसे निकालेंगे। तो प्लेट में निकालने के लिए सबसे पहले प्लेट को हम घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे, जिससे हम इसमें बाद में जब आम पापड़ को अलग करेंगे तो वो नीचे चिपकेगा नहीं प्लेट में। पूरी प्लेट में घी को अच्छे से लगाने के बाद अभी हम आम पापड़ के मिक्सचर को इस प्लेट में निकाल लेंगे। तो पूरे आम पापड़ के मिक्सचर को इसमें अच्छे से निकाल लें और अब हम इसे इस प्लेट में इवनली स्प्रेड करेंगे, पूरी प्लेट में अच्छे से फैला दें इसे। अगर आपको आम पापड़ जो है वो थोड़े पतले पसंद हैं तो आप इसे 2 प्लेट में भी फैला सकते हैं। इसे अच्छे से फैलाने के बाद अब हम इसे हल्का सा टैप कर देंगे इस तरीके से और अब हम इसे 2 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी धूप काफ़ी तेज़ है। तो 2 दिन की धूप में ये काफ़ी अच्छे से सूख कर तैयार हो जाते हैं। 2 दिन के बाद आम पापड़ को चेक करेंगे,
मैंने इन आम पापड़ों को हल्का सा सूखने के बाद इसे कवर कर दिया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं आती है और आम पापड़ खाने में और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब हम एक चाकू की सहायता से इसे इस तरीके से साइड से अलग करेंगे। आप देख सकते हैं प्लेट से आम पापड़ का जो मिक्सचर है वो कितनी आसानी से अलग हो रहा है, और आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आया है दूसरी साइड से। तो अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो पीस कट करने के लिए याद रखें, आपको इसे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं कट करना है, तो इस तरीके से थोड़े छोटे छोटे पीसेस में इसे इस तरीके से कट करेंगे। ये बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। इसे इस तरीके से कट करने के बाद अभी मैं आपको इस आम पापड़ को दो तरीके से फोल्ड करके दिखाऊंगी। पहला तरीका है, हम इस तरीके से लेंगे आम पापड़ को और इसकी एक पूरी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो इसे अच्छे से फोल्ड कर दें इस तरीके से, और देखिए फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी लग रही है, और साथ ही हमारे आम पापड़ का जो टेक्सचर है वो भी कितना अच्छा आया है। और सेम इसी तरीके से मैं आपको एक और पट्टी को फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आम पापड़ बनाकर आप अपने बच्चों को देंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और साथ ही उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये तो एक नया तरीका था, अभी मैं आपको नॉर्मल तरीके से इसे कट करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से तीन पट्टियों को हम एक साथ रख लेंगे, और अभी हम इसे एकदम इक्वल इक्वल पीसेस में कट करेंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा ना कट करें इसे। कुछ इसी साइज़ के आम पापड़ जो हैं वो मार्केट में मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है, हम सभी ने इसे बचपन में बहुत ज़्यादा खाया है। तो आपने इसे खाया है कि नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो ये आम पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसीलिए मैं इसे थोड़े ज़्यादा अमाउंट में बनाकर स्टोर भी करूँगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो आपको आज की आम पापड़ की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।